और भाई क्या हाल है इंटरव्यू लेने वाले भैया? डॉक्टर साहब ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? ये मैंने ये थैला उठाया हुआ है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा सा काम था। अरे तुम छोटे आदमी हो, छोटे से काम होगा तुमको, बड़े से काम तो नहीं देखते। देखो ऐसा है, हाँ जी, अजय देवगन और काजोल आने वाले हमारी सोसाइटी में। अच्छा, तो पूरी सोसाइटी ने मिलकर ना आपको 2 दिन के लिए बैन किया हुआ है। भाई करो या बैन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो हूँ ही बड़ा बिजी। हाँ जब भी वो आए अजय और काजोल उनको मेरा हेलो कह देना, कहना डॉक्टर साहब हेलो कह देना। चलो ठीक है। तो एक मिनट तो नहीं हो? हाँ अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुंह बड़ा गंदा आपका। वो तो तुम अभी क्या कह रहे हो ना, उस अभी अभी उससे बाद जो उससे पहले बीच में क्या कहा? अच्छा वो हाँ। अजय देवगन और काजोल आने वाले हैं। न न न न न न न सिमरन बजा दे मामा, सोचता क्या? सिमरन सिमरन आ रही है, सिमरन बम्पर बाथरूम के दरवाजे खोल दो, आज डॉक्टर साहब नहाएंगे, हॉस्पिटल को चमका दिया जाए। तुम कमान भाई कपिल शर्मा सफाई हो गई, मैंने कपड़े धो दिए, अब तो बस उनके आने का इंतजार है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आ कितने बज रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शेड्यूल मैच ना करे, मैं अंदर बिजी हूँ और वो आके चले जाए। आपका क्या शेड्यूल है? मेरा है ये बिजी शेड्यूल है, आई हैव टू चेक 10 to 11 आई एम फ्री एंड 11 to 1 बजे तक मैं कैरम विद पेशेंट्स है, ठीक है। 1 to 5 बहुत ज़रूरी काम से मुझे सोना है, 5 to 9 मेरा पावर नैप होता है, 9 to 10 रेस्ट है, वर ए बिजी डे बट या आई विल एडजस्ट, नो प्रॉब्लम। कब आ रही हैं काजोल मुझे ये बताओ? काजोल अकेली नहीं आ रही, अजय देवगन भी साथ में आ रहे हैं। नहीं मैं काजोल के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अजय देवगन है ना, उनके हाथ और मेरे मुँह की बनती नहीं है। कितने बजे आ रही हैं मुझे ये बताओ जरा। आज नहीं आ रही, कल आ रही हैं 9 बजे। ओके कल आ रही हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जब भी वो आए ना जी, तुम्हारा दिल तो भारी होगा बट मेरी ना तारीफ करना तुम, ठीक है? मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूँगा, बट नई नई ह्यूमिलिटी होती है ना जैसे हम्बल बन के रोकते हैं, ना 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 बट तुम ऑन रहना, ठीक है? और सिद्धू साहब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी वो आए ना तो मेरे लिए कुछ भी बोल देना, अगर यहाँ फंस जाऊँ तो रणबीर कपूर के लिए जो शेर बोला था वो बोल देना, ठीक है? और पैसे की चिंता मत करना, काम जो मैं चाहूँ पैसे की सोचना भी मत, ठीक है? चलो आओ आओ जल्दी, रेडी। डॉक्टर साहब काजोल। हाँ मुझे पता है कल आने वाली है ना। नमस्ते जी, नमस्ते काजल जी। आए डॉक्टर साहब, काजल जी डॉक्टर साहब। हाँ जी आप डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार, डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, कल आत रही वो। ये 50-50 हॉस्पिटल के MD हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी। अरे हम नहीं हूँ डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे हम डॉक्टर हूँ ही नहीं, डॉक्टर साहब तो बाहर बहुत जरूरी काम से गए हैं, वो तो हैंडसम आदमी है। हम तो यहाँ सफाई कर रहा हूँ। अरे ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो आप है तो बिल्कुल कूड़ा ही वैसे। ये इनके यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है ये जी। हाँ जी। और दूर भी डॉक्टर हैं। मुंह तो दिखाइए आप। नहीं हम डॉक्टर हैं नहीं, तुम मुंह क्या दिखाना, तुम थोड़ा दूर रहो यार। हमारा डॉक्टर साहब से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत बड़े आदमी रही। मैं नहीं यकीन, मैं सिद्धू साहब से पूछ लेता हूँ। सिद्धू साहब बताइए ये है कि नहीं? नहीं सिद्धू साहब एक मिनट, हम डॉक्टर नहीं हैं। शहर जाओ
गांव जाओ या पर्वत घाटी, हाँ जी, ये था ये है ये रहेगा डॉक्टर मशहूर गुलाटी। देखा यही तो है डॉक्टर। हाँ हम डॉक्टर मशहूर गुलाटी हूँ। हम हूँ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पर एक बात हम कह देते हैं, कहो, कोई भी डॉक्टर अपनी कोख से माँ पैदा नहीं होता। नहीं ये हमने कुछ उल्टा बोल दिया है शायद, उल्टा हो गया। अपनी कोख का माँ से डॉक्टर कुछ तो ऐसा ही है। कोई भी डॉक्टर अपनी माँ की कोख से डॉक्टर पैदा नहीं होता, कुछ गधे भी पैदा होते हैं। ऐसे था डॉक्टर मशहूर लाठी, जब आप डॉक्टर हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ये देखो टूटी लटकाई हुई आपने, ये क्या है? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, आता माजी सटक ले। अब तक मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब अगर मेरे रास्ते में किसी ने रोका तो वो मुझे मारेगा। हेलो सर, हेलो, मेरे फैन आए हैं, मेरे फैन हैं। एक मिनट, एक एक करके ऑटोग्राफ लो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बैठो जरा। एक एक करके ऑटोग्राफ लेना चाहिए इनको। हाँ तो कर रहे हैं वो। रहिए रहिए यार सब, इधर बैठिए आप। हाँ अरे आप इधर बैठिए, आप समझते हैं मुझे, इधर बैठिए थोड़ा सा। अरे आप ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं जेंट्स। आपके सर पे कुछ लगा हुआ, इधर लगाओ सारा। पता नहीं कहां का आपको इलाज करना नहीं आता, आपको तो मुंह काला कर देना चाहिए। ओहो डॉक्टर साहब, ये मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बल्द छोटे लाल गुलाटी, इस सिवाय की भरी सभा में प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। सब बदला लेगा। आइए बाजी। डॉक्टर साहब ये लो, मुंह साफ करो अपना। क्या था ये? मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। सारी आइटम आपकी फ्लॉप गई, क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? साबित क्या, आई एम ए डॉक्टर एंड आई मस्ट टेल यू, सॉरी, आई एम डॉक्टर। इधर बैठ जाइए गुलाटी, इधर बैठ जाइए। बीबी एनएचएम, आराम से बैठिए। हाँ जी बीबी एनएचएम। बीबी एनएचएम मतलब? बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है मुझे। बट आई टेल यू, यू वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री राइट? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? साफ साफ बताइए। इधर से कैसे क्लीनिंग होती है भाई जुबान की, यहाँ से मार के? साफ साफ बताइए। But I must tell you, Mr. Devgan,
that like you, I also have some film industry friends. Who? Many. I would like to call my friends. Sorry. Hello, friends from the film industry, Bollywood. I will introduce some Deepika and Priyanka and all. Is Deepika? This is my friend from the film industry. Deepika, say hello. Hi. This is Jacqueline. That is Jacqueline, my friend. And this is Priyanka. Ye tune aise lagana tha. Actually, Priyanka aajkal seedhe muh kisi se baat nahi karti Hollywood mein, na? Yes. And this is my friend, Mr. Anupam Kher. Itne common sense nahi hai tere mein motya. Ye idhar lagana tha. Ye to maine bechti kara doge tum sare log milke na. Mera kachra kara doge. Yeah, my other friend and Mr. Anupam Kher, and actually, there will be him away, sir. Get out of from the air. Yes, so I have many friends in the industry. I can see that. Tell me, Dr. Saab. Which is? Which is Deepika Padukone? Is this under se ye nikla aapka Padukone? Shave to karne chahiye the na tujhe Raju. झूठ बोलते हैं आप मकार कहेंगे नहीं मकार वाली कोई बात नहीं तो मैं पकड़ा गया वरना तो चल जाती बात कहते ने डॉक्टर साहब पैसे मैं इस बात के मैं पैसे नहीं लेता इट्स फ्री तो मैं पैसे देने की नहीं हाँ। लेने की बात कर रहा हूं लेकिन कब पे कुछ समझा भी तो लेने की बात कर रहे हैं इनको कुछ कहो आवाज ऊंची नहीं हाथ उठाना तो उठाओ आप आराम से हां जी मैं मेरे बात तो बाहर चल मैं तेरे को बात करता हूँ आप बाहर चलिए मैं कह रहा हूँ बाहर चलो तुम लोग बाहर रहके मैं तेरे को बाहर चल बाहर देखता हूँ मैं तेरे को बाहर चल साहब नमस्कार नमस्कार आपने सुना ही होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है करेक्ट 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 बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी आज बहुत बड़ा परिवर्तन मैं करने जा रहा हूँ इसलिए मैं इन पेशेंट्स का चेकअप वगैरह कर रहा हूँ ओहो चलिए नाखून दिखाइए अपने ये तुम्हारे बाप का बिजनेस है जिसको बढ़ा रहे हो तुम क्या हालत है सुदिशा मैंने इस हॉस्पिटल में दो दो नर्से रखी हुई हैं किसी काम की नहीं आई हैव अ टफ लाइफ यू सी आई एम नॉट अ डॉक्टर आई एम एन इंस्टीट्यूशन बट माय लाइफ इज वेरी टफ मैं अपने नर्स को बुलाता हूँ लॉटरी ए लॉटरी डॉक्टर साहब ओ हेलो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब हेलो आपने मुझे कल बुलाया था ना तो मैं कल मीटिंग में था तो मैंने कहा आज मिल के आता हूँ फिर नहीं वो तो ठीक है कपू शर्मा मैं तुम्हें कपू कपू बुलाता हूँ कभी आते नहीं लॉटरी कहता हूँ तुम एक सेकंड में आ जाते हो हैं ये कैसे भाई अपनी गाड़ी के नाम की अनाउंसमेंट होती है आदमी पटरी झाग ही लेता है लॉटरी आपने मुझे बुलाया नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे नाम का जयकारा लगा रहा था मैंने थोड़ी बुलाया था दम शराज की डैम मैंने तेरे को बुलाया इधर आ ये देखो ये कौन है ये तो हमारा पेशेंट है वेरी गुड ये तो मेरे को नई चीज बताई हमारा पेशेंट है अब मैं पूछ रहा हूँ भाई ये इतने मैले क्यों हैं कूड़ा फेंक गया जैसे लग रहा जैसे इनके ऊपर कोई तो आपके मुंह के हिसाब से आएंगे ना पेशेंट भी इतना गंदा हॉस्पिटल आपको पता है सुअर भी जाते हैं ना तो नाक पर माल रख के लेके जाते हैं इतने गंदे एक्सक्यूज मी तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरी बेइज्जती सुन रहे हो तुमको शर्म नहीं आती जाओ एक दूसरे की डस्टिंग शुरू करो अंदर जाके गो इनसाइड डॉक्टर साहब हमारा जो पेशेंट है हमेशा ऐसे गंदे होते हैं तो प्रॉब्लम क्या है हमेशा नहीं इम्पोर्टेंट है आज यू से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है सिद्धू साहब
क्योंकि आज मेरे डॉक्टरी की सालगिरह है. मुझे डॉक्टर बने हुए 21 साल हो गए हैं. झूठ बोले डॉक्टर साहब, आपको पागलखाने से छूटे हुए 21 साल हुए आपको? नहीं नहीं, वो तो 21 साल एक दिन हो गया यार. डॉक्टर मैंने अगले दिन शुरू की थी. ओ, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि आप पागलखाने में थे. कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ. एक्चुअली जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मेरे वाइफ भाग गए थे, पता है, और मैं सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका. Oh, how sweet. आप इतना प्यार करते थे. प्यार नहीं करता था, शादी हुई मैं खुशी के मारे ना हंसने लग गया. 104 घंटे तक हंसता रहा. लोग कहते कहीं मैं पागल हो गया. कोई सदमा लगा पाजी, खानदानी पागल है. इसके पिताजी इतने बड़े पागल थे, ऐसा बेटा पैदा कर दिया. ऐसे बच्चे पैदा करता कोई? नहीं करता. मेरे तो पिताजी करते हैं. इसके पिताजी इतना हंसे बाद में इनके पिताजी को जेल हुई, पता. वो कहते अगर ये आदमी बाहर रहा तो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता रहेगा. वेरी गुड. मेरे पिताजी की सारी बातें पता, सारे खानदान का लेखा जोखा है ना इनके पास हमारे. अच्छा, मेरे पिताजी कब पैदा हुए थे, जब ये पैदा नहीं हुए थे, उसका भी पता है. देखो, वेरी नाइस. पता है मेरे को मेरे दादाजी क्या करते थे भाई? हमको दादाजी आपके आपकी दादी को तंग करते थे. हेलो, इंटरव्यू मेरी बात सुनो. मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. मैंने ना इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों का इंक्रीमेंट किया, पता तुमको? अरे इंक्रीमेंट नहीं, ट्रीटमेंट होते. मैंने तुम्हारी हिंदी में कभी टोका? मेरी इंग्लिश में टांगा डाल रही हो तुम. देखो कपिल, तुमने आज बड़ा सूट वगैरह पहना हुआ है. मेरी पार्टी का फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ तुम एंकरिंग कर लो. मुझे क्या मिलेगा? मैं ये जो मलाई कोफ्ता है ना, जितना मर्जी खाना दूसरे की प्लेट से, कोई नहीं रोकेगा तुम. मैं खाता ही नहीं आजकल मलाई कोफ्ता. मेरी फिल्म आ रही है, मैं वेट कम कर रहा हूँ. ये पाजी, ये मेरे को पनीर खिलाएंगे. परसों एक मेहमान आया, उसकी चप्पल नहीं मिल रही. कहते मेरी चप्पल कहाँ है? कहते काट के तुम्हें खिलाया तो है मटर पनीर. चप्पल काट के पनीर खिला देते ऐसे घटिया लोग. सिद्धू साहब, दो सीटियां लगवा दो ज्यादा ना, चप्पल पनीर से भी सॉफ्ट हो जाती है. मैं बहुत इंजॉय सेम लगता है जैसे पनीर खा रहे हो. ओहो, आप कर लो ना प्लीज. तो ना छोटा सा काम. मैं कह रहा तुम कह रही थी मैं कर लेता. हेलो, तुमको मैंने नर्स रखा हुआ है ना, तो इधर रहो तुम जरा सा. तुम मुझे तो कुछ नहीं रखा हुआ ना, मैं तो उधर जा सकता हूँ. नहीं, तुमको भी रखा है ना, तुम होस्टिंग कर रहे हो. तुम अपनी होस्टिंग की तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करता हूँ. सिद्ध साहब, आज मैंने ऐसा परिवर्तन किया है ना, आप देख लेना, आपकी आँख खुली की खुली रह जाएगी. उनकी आंखें तो अभी भी खुली हैं. अच्छा, जो बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं वो वेस्ट कर दे, हम यूज ना कर रहे हैं उनको हर चीज में. ये क्या लगाया अपने बालों में? परिवर्तन है ना, तो थोड़ा स्टाइल चल रहा है मेरा. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.